आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम जेंडर साइंस इन स्कूल है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। और इस वक्त हम बीएड का कोर्स नंबर 8638 को पढ़ने लगे हैं और हमारा यूनिट का नाम है जी स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स फॉर टीचिंग साइंस। और मैं मोहम्मद सफला खान आपसे मुखातिब हूँ। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर का, वो क्या है। टीचिंग इज़ अ डायनमिक एंड वेल प्लान प्रोसेस। टीचिंग एक डायनमिक और वेल प्लान प्रोसेस होता है। इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव टू एक्वायर मैक्सिमम लर्निंग एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू अचीव दिस ग्रेट ऑब्जेक्टिव। वेरियस टीचिंग स्ट्रेटजीज मेथड्स एंड टेक्निक्स बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल रिसर्च आर यूज। द कंसेप्ट और स्ट्रेटजीज विल गिव अस अ यूजफुल लुक एट द वेरियस इशूज विच आर डिस्कस इन दिस यूनिट। यानी इस यूनिट पर जो डिस्कस किए गए वेरियस इशूज, इन ए सेंस स्ट्रेटजीज आर द वेज ऑफ अचीविंग गोल। स्ट्रेटजीज जो है उससे क्या होता है, अचीव गोल को करते हैं। फिर टीचिंग मैथड इज़ अ स्टाइल ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट इन द क्लासरूम। क्लासरूम में जो कंटेंट कवर किया जाता है उसका, और जिस तरह से टीचर टीच करते हैं उसको टीचिंग स्टाइल कहते हैं। फिर जी मैथड रेफर टू द फॉरम स्ट्रक्चर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द एक्ट कॉमनली डिनोटेड बाई इंस्ट्रक्टर। ये इंस्ट्रक्टर डिनोट करते हैं आगे कि टीचिंग मैथड्स आर द वेल एक्सेप्टेड प्रोसीजर ओवर टाइम एंड हैव सम साइकोलॉजिकल थ्योरी इन द स्पोर्ट। सो मैथड इज द वे ऑफ टीचिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स। अभी स्टूडेंट देखते हैं ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के, वो हैं डिफाइन टीचिंग स्ट्रेटजीज मैथड्स टेक्निक्स एंड ट्रेड्स। डिफरेंशिएट बिटवीन टीचिंग मैथड्स एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज। फिर जी नोइंग अबाउट द टीचर सेंटर्ड एंड स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रेटजीज। फिर जी डिफरेंस बिटवीन स्मॉल ग्रुप एंड लार्ज ग्रुप स्ट्रेटजीज। फिर अप्लाई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एज टीचर स्ट्रेटजीज इन द क्लासरूम। फिर जी अप्लाई प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स इन द लेबोरेटरी एंड साइंस क्लासरूम। लेबोरेटरी साइंस क्लासरूम। फिर यूज टीचर लर्निंग डिवाइस कंसेप्ट मैप वी डाइग्राम टू मेक द लर्निंग मोर मीनिंगफुल टू द लर्नर्स। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटजीज एज गाइडलाइन फॉर टीचिंग। ये क्या है जी, इसमें क्या है जी, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनके तहत काम होता है। फिर करिकुलम सेट किया जाता है, इसके तहत का फिर टाइम मैनेज कितना, लेक्चर पे को कितना लेवल, किस टीचर को किस टाइम किस स्लॉट में जो है वो उसका लेक्चर मुहैया करना, ये पूरी की पूरी टाइम मैनेजमेंट होती है। फिर मेथडोलॉजी, इस मेथडोलॉजी को टीचर किस तरह से पूरा लेक्चर अपना बनाता है और किस तरह डिलीवर करता है और किस तरह से स्टूडेंट से जो है उनको इस काबिल करता है कि वो जो उसका लेक्चर उन सब के अंदर जो है इनहेल हो जाए, उनको समझ आ जाए। फिर जी पीपल्स इन एक्सपीरियंस पर्सन पीपल्स के समझ उनकी एक्सपीरियंस को जो है अहमियत दी जाती है। फिर है जी की पॉइंट्स के, टीचर स्ट्रेटजीज इज़ एन ओवरऑल प्लान फॉर आर लेसन विच इंक्लूड स्ट्रक्चर डिज़ायर लर्निंग बिहेवियर एंड एन आउटलाइन ऑफ प्लानिंग ट्रेड्स टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजी। पूरा लेसन प्लान होता है जो टीचिंग जिसे स्ट्रेटजी कहते हैं। स्ट्रेटजीज प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर टीचर एंड लर्निंग इन द क्लास रूम एंड हेल्प इन आंसरिंग द क्वेश्चन। आंसर देने में क्वेश्चन में ये अहम तरीन रोल प्ले करते हैं। फिर स्ट्रेटजीज आंसर द क्वेश्चन लाइक वाई हाउ वट वैन एक सेक्टर, यानी कि वाई कोई चीज़ क्यों, हाउ क्यों, वैन, ये सारा इसमें बताया जाता है। पेगेट से डैट लर्निंग इज अ फंक्शन ऑफ डिवेलपमेंट एंड डिवाइडेड द डिवेलपमेंट इन टू फोर स्टेजेस। अगर स्टूडेंट्स चलते हैं जी टीचर कंसर्न लार्ज ग्रुप स्ट्रेटजीज को देखते हैं। द मेन फोकस ऑफ टीचिंग इज टू ब्रिंग अबाउट डिजायर चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द लर्निंग। बिहेवियर ऑफ द लर्निंग पे डिजायर। देयर आर नंबर ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज टू अचीव द डिजायर ऑब्जेक्टिव, यानी डिजायर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में रोल प्ले करें। प्रेजेंटेशन लेक्चर समटाइम्स कॉल प्रेजेंटेशन टीचिंग एंड जनरली डिस्कस्ड इस टीचिंग सेंटर्ड टीचिंग स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व वन वे प्रोड्यूस एक ना एक तरीके से प्रोड्यूस की जाए। फिर अजी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, ये क्या जी लाइक अदर टीचिंग स्ट्रेटजीज लेक्चर इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एज द टीचर मस्ट नो इन ऑर्डर टू प्लान हिज लेसन। यानी कि साइकोलॉजिकल की जो चीज़ें होती हैं
इसी तरह की एक लेक्चर भी देना है टीचर के लिए, एक साइकोलॉजिकल प्लान की तरह, जिससे उसको अपना लेसन देना चाहिए स्टूडेंट्स को अपनी तरफ इंगेज करने के लिए क्लास में, अटेंड करने अटेंटिव करने के लिए। फिर टीचर मस्ट प्रेजेंट द समरी ऑफ द लेक्चर लेसन ऑन द बोर्ड, यानी ऑन द बोर्ड उसको लेना पड़ता है। फिर है जी टीचर लेक्चर, लेक्चरिंग और प्रेजेंटेशन इज अ टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटजी कंसिस्टिंग ऑफ फोर फेजेस, की चार फेजेस हैं। फिर नंबर वन पे क्या है, द फॉलो प्रोसीजर्स फ्रॉम द टीचर्स इनिशियल अटेम्प्ट टू क्लेरिफाई द एम्स ऑफ द लेसन एंड गेट स्टूडेंट्स रेडी टू लर्न थ्रू, यानी स्टूडेंट्स जिससे रेडी हों और लर्न थ्रू समझ सकें। फिर है नंबर टू पे प्रेजेंटेशन ऑफ एन एडवांस ऑर्गेनाइजर, यानी एडवांस ऑर्गेनाइजर उसे समझे। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ द न्यू इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को जाना, एंड इंट्रैक्शन एम्स एट चेकिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यू इंफॉर्मेशन एंड एक्सटेंडेड एंड स्ट्रेटजी स्ट्रेंथनिंग देयर थिंकिंग स्किल्स, स्टूडेंट्स के जो स्टैंडर्ड थे थिंकिंग स्किल उनको भी जो है वो उनको भी रूझनास करना, उनको भी स्ट्रॉन्ग करना, ये भी एक टीचर का काम होता है। अगर स्टूडेंट्स देखते की पॉइंट्स वो क्या है, नंबर वन पे लेक्चरिंग सम टाइम कॉल प्रेजेंटेशन टीचिंग, यानी कि लेक्चरिंग को हम कभी कभी प्रेजेंटेशन ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। फिर है जी द लेक्चरिंग इज इट्स प्योर फॉर्म इज वन वे कम्युनिकेशन, एंड इफ लेक्चरिंग हैज़ टू टेक प्लेस इट ओट टू बी एन एक्टिव, अगर एक लेक्चर जो है उसके एक तरफा पढ़ाया जाए और इसके अंदर ओट लिया जाए तो उसे हम एक्टिव लर्निंग कहते हैं। फिर द लर्निंग शुड मीनिंगफुल रिएक्ट टू द स्टिमुलेशन ऑफ द टीचर्स टीचिंग सो दैट द लर्नर्स टेक प्लेस, यानी कि टीचर जो है उनकी लर्निंग टेक प्लेस तब होती है जब उससे जो है जो सुनने वाले हैं उनको भी सही तरह से समझ आए, सामीन को समझ आए। फिर स्टूडेंट्स सेंटर्ड स्ट्रेटजीज लेसन ऑर्गेनाइज अराउंड टीचर सेंट्रिक मॉडल्स एंड जनरली करेक्टराइज बाई टास्क स्ट्रक्चर बाई विच टीचर्स वर्क मेनली विद द होल क्लास और द स्टूडेंट्स वर्क इंडिविजुअली टू मास्टर एकेडेमिक कंटेंट, यानी एकेडेमिक कंटेंट के हिसाब से जो है वो मास्टर उन्हें किस तरह से कराना है, ये सारे का सर इस पर डिपेंड करता है। कि स्टूडेंट्स चलते जी कोऑपरेटिव लर्निंग, ये क्या है, द कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज इज करेक्टराइज बाई कोऑपरेटिव टास्क, कोऑपरेटिव टास्क पे मुहित है, गोल्स पे एंड रिवॉर्ड्स के स्ट्रक्चर पे। फिर है जी द लर्निंग आउटकम द थ्री इंस्ट्रक्शन गोल्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग आर वो क्या, नंबर वन एकेडेमिक अचीवमेंट, फिर क्या टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्स, फिर है एंड डिवेलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, यानी सोशल स्किल्स का होना, एक्टिव एकेडमिक अचीवमेंट होना, फिर के टॉलरेट यानी कि बर्दाश्त करने की सलाहियत, और डाइवर्स यानी कि मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं उन सबको एक्सेप्ट करना कि हम सब बराबर हैं यकता हैं, तो ये चीज़ जो है ये बहुत अहमियत की हामिल होती है किसी भी कोऑपरेटिव लर्निंग में। फिर है कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ इक्वल इफेक्ट बोथ लो एंड हाई एक्टिव अचीविंग स्टूडेंट्स हु वर्क टुगेदर ऑन एकेडेमिक टास्क, यानी कि गरीब हम है या अमीर है या किसी गरीब इलाके के अमीर इलाके या किसी अच्छी कास्ट के बुरी कास्ट के या कोई मुस्लिम है गैर मुस्लिम है तो उनके दरमियान जो है उनको इकट्ठे लेके चलना या कोऑपरेटिव लर्निंग में उनके में तफरका नहीं डालना होता, ये एक टीचर का काम होता है क्लास में। आगे स्टूडेंट्स चल रही है फेजेस स्टेप इन इन्वॉल्व इन कोऑपरेटिव लर्निंग, ये क्या है, द लर्निंग बींग वट विद द टीचर गोइंग ओवर द गोल्स ऑफ द लेसन एंड गेट स्टूडेंट्स टू लर्न, टीचर क्या गोल सेट करते हैं जिससे स्टूडेंट जो है वो लर्न करें, ये एक बड़ी अहमियत चीज़ होती है। नंबर टू पे क्या, दिस फेज इज फॉलोड बाई द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट रादर देन लेक्चर, यानी कि टेक्स्ट से ज़्यादा लेक्चर में ये फॉर्म में बच्चों को बात समझ आती है। स्टूडेंट्स आर देन ऑर्गेनाइज इनटू अ स्टडी टीम, स्टडी एक टीम की तरह ये स्टूडेंट जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं। फिर इन द स्टेप्स स्टूडेंट्स असिस्ट बाय द टीचर्स वर्क टुगेदर टू अकॉम्प्लिश इंडिपेंडेंट टास्क, यानी इंडिपेंडेंट टास्क जो होता है इनको उसको हदफ को हासिल करना होता है। फिर दिस फेज इंक्लूड प्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप्स एंड प्रोडक्ट और टेस्टिंग ऑन वे स्टूडेंट्स हैव लर्न, इसके टेस्टिंग जो है लर्न करनी चाहिए, इसके ग्रुप और प्रोडक्ट जो है इसकी टेस्टिंग भी करना जो है अहमियत का हामिल होती है। फिर रिकोगनाइजिंग रिकोगनीशन ऑफ ग्रुप एंड इंडिविजुअल इफेक्ट, रिकोगनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप और इफेक्ट भी ज़रूरी होता है। आगे चलने से स्टूडेंट्स देखते की पॉइंट्स इसके क्या है, ये द कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट गेट्स सेट्स द स्टेज फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न सोशल स्किल्स दैट दे विल यूज़ थ्रू आउट देयर लाइफ, जो सोशल स्किल्स थ्रू आउट देयर लाइफ उन्हें यूज़ करें उसके लिए अहमियत तरीन जो इन्वायरमेंट कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए बनाई जाती है। फिर द लर्निंग आउटकम ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग आर एकेडेमिक
टॉलरेंट एक्सेप्टेंस डाइवर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स आ गया जी। कोऑपरेटिव लर्निंग इज इक्वली बेनिफिट फॉर बोथ लोअर एंड हायर अचीविंग स्टूडेंट्स। यानी आपको बता दिया था इसके बारे में, तो फ़र्क नहीं डालना, एकता होकर चलना। फिर नंबर फोर पे इन कोऑपरेटिव लर्निंग हायर एक्टिव अचीवर्स वर्क आर टोटल फॉर लोअर अचीविंग डस प्रोवाइड स्पेशल हेल्प फ्रॉम पियर। यानी जो बच्चा गरीब है या जिस बच्चे को पढ़ाई या उसकी लैंग्वेज में मसले है, उसका मजहब और है, उसको पियर्स को चाहिए, साथ दोस्तों को चाहिए कि उसे लेके साथ चले, उसके दरमियान उसका रबता ना रोके, उसे हिरास ना करें और उसको उसके तरफरका ना डालें, इससे वो हर्ट हो जाएगा, उसकी पढ़ाई से भाग जाए, बल्कि कोई गुनाह कर बैठेगा और वो सोसाइटी के लिए बहुत बुरा होता है। इसलिए उसको सोसाइटी में गलत काम से बचाने के लिए पेयर्स को चाहिए कि उसको हेल्प कर, उठ के उसके सर पे हाथ रखें, उसे अपनी तरह एक इंसान समझें और उसकी इज्जत और रिस्पेक्ट करें। फिर हायर अचीवर्स गेन एकेडमिकली भी बिकॉज सर्विंग एज अ ट्यूटर रिक्वायर्स थिंकिंग मोर डीपली अबाउट रिलेशनशिप ऑफ आइडियाज़ विद इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जो एकेडमिक बिहेवियर और जो आइडियाज़ आते हैं उसका जो है रिलेशनशिप जो है ये इसके थ्रू होता है। आगे स्टूडेंट चल रही है जी इंडिविजुअलाइज्ड स्ट्रेटजीज। ये क्या देयर आर थ्री बेसिक टेक्निक्स फॉर इंडिविजुअलाइजेशन। नंबर वन पे के इंडिविजुअलाइज इंस्टीट्यूशन, फिर के इंडिपेंडेंट स्टडी, फिर के मिस्टरी लर्निंग, फिर जी इफेक्टिव यूज़ ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या जी नंबर वन पे द लर्निंग आउटकम आर क्लियर टू स्टूडेंट्स, लर्निंग आउटकम क्लियर हो स्टूडेंट्स को। फिर है द टीचर कंट्रोल द टाइम फॉर वेरियस इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फिर है द टीचर ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़, फिर है जी देयर इज एन एम्फसाइज ऑन एकेडेमिक अचीवमेंट्स, फिर है द टीचर केयरफुली मोनिटर स्टूडेंट, टीचर केयरफुली मोनिटर करे स्टूडेंट्स को। फिर है फीडबैक टू स्टूडेंट्स इन एकेडेमिक ऑर्डर और ओरिएंटेड एकेडेमिक ओरिएंटेड हो। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी की पॉइंट्स देखते हैं। ये है इंडिविजुअलाइज्ड स्ट्रेटजीज इंक्लूड इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट मिस्ट्री लर्निंग एंड ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ये सब उसकी ड्रिल और प्रैक्टिस होगी तो स्टूडेंट जो है वो सही तरह से इंडिविजुअल उसका जो है वो एक सही इंसान बनेगा। दे रिप्रेजेंट टेक्निक्स टेलर टू फिट स्टूडेंट्स नीड्स एंड एबिलिटी, नीड्स और एबिलिटीज़ के लिए अंदर भी हेल्प आउट होगा। फिर इंडिविजुअलाइज्ड सेशन कैन प्रोवाइड बाई स्टूडेंट्स वर्किंग एट देयर ओन पेस और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, वर्किंग विद डिफरेंट मटीरियल एंड वर्किंग ऑन ईजी और प्रोजेक्ट, यानी कि वर्किंग करे वो ईजी आए किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो ये बड़ा अहम तरीन एक रोल होता है। फिर इन इंडिविजुअलाइजेशन इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स आर इंगेज इन लर्निंग टास्क अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट नीड एंड एबिलिटी। यानी नीड इंटरेस्ट और एबिलिटी को देख के स्टूडेंट्स को इंगेज किया जाना चाहिए। फिर जी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन रेफर टू होल क्लास एक्सपोरेटरी टीचिंग टेक्निक, टीचिंग टेक्निक के हिसाब से काम किया जाए। फिर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कैन बी इजी इक्वली इफेक्टिव विद स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप एंड विद स्टूडेंट्स फ्रॉम मोस्ट कल्चर, यानी मोस्ट कल्चर के हिसाब से जो है उनको देखा जाता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। ये टीचिंग साइंस बाय इन इक्वायरी, साइंटिफिक इंक्वायरी रेफर टू द डाइवर्स वे इन विच साइंटिस्ट स्टडी द नेचुरल वर्ल्ड एंड प्रोपोज एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन द एविडेंस डिजर्व्ड फ्रॉम देयर वर्क। यानी कि साइंटिस्ट जो है वो इन्हें इंक्वायर करते हैं डाइवर्स वेज ऑफ साइंटिफिक, साइंटिस्ट को जो नेचुरल बेस की एविडेंस के हिसाब से देखते हैं किस तरह से काम किया जाता है। फिर इंक्वायरी ऑल्सो रेफर टू द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स इन विच दे डिवेलप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक आइडियाज़ एज वेल एज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ साइंटिस्ट स्टडी द नेचुरल वर्ल्ड। यानी स्टडी किस तरह साइंस जो है नेचुरल, साइंटिस्ट जो है नेचुरल वर्ल्ड को देखते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और डिवेलप करते हैं नॉलेज को और अंडरस्टैंड करते हैं अपनी बुनियाद के मुताबिक जो उनको समझ आता है। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स ऑफ टीचिंग। ये है इन साइंस इन स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स लर्न कंसेप्ट रूल्स प्रिंसिपल्स एंड लॉ। स्टूडेंट स्कूल के लेवल पे जो है बच्चे सीखते हैं किस तरह से कंसेप्ट जो है लर्निंग का, रूल्स प्रिंसिपल और लॉस की लॉस को। आगे चलने स्टूडेंट चलते हैं स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें क्या आप फेल्ट नीड किस चीज़ की ज़रूरत है ये इसमें समझिया जाता है। फिर है लोकेटिंग रिकोगनाइजिंग डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, लोकेट किया जाता है, डिफाइन किया जाता है और रिकोगनाइज किया जाता है यानी अखस किया जाता है प्रॉब्लम को। फिर है डेटा
कलेक्शन, डाटा कलेक्शन किस तरह की जरूरत, उसके लिए पूरा करें मेथोडोलॉजी, उसको सॉल्व किया जाए। फिर है जी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फिर फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस की चीज़ हो सकती है नहीं, उसे उसके अनुमान हाइपोथेसिस के जरिए उसको फॉर्मुलेट किया जाता है, फिर उसका नतीजा खस किया जाए। फिर क्या है जी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, जिस तरह का आपका सैंपल साइज होगा, जैसे कि पॉपुलेशन होगी, उसके ऊपर जो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अप्लाई किया जाए, और फिर उसका डाटा जो है उसके मुताबिक रिजल्ट को इंटरप्रिटेट किया जाता है। आगे क्या है मेकिंग अ जनरलाइजेशन, फिर उसके जनरलाइजेशन रिजल्ट की लिए जाते हैं, और फिर उसके बाद एक नतीजे के बाद फिर एक चीज़ की एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर वो उसके नतज सही निकलते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट, ये जी टीचिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इन स्कूल, ये है नंबर ए पे, एक्वायरिंग एक्विजिशन ऑफ नॉलेज ऑफ वाइड एप्लीबिलिटी, यानी कि एक्विजिशन जो है नॉलेज का वाइड एप्लीबिलिटी पे किस तरह होता है ये देखा जाए। फिर है जी लर्निंग एंड यूजिंग दैट टेक्निक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, किस तरह से प्रॉब्लम की सॉल्विंग करनी है, लर्निंग एंड ट्रांसफर ऑफ स्किल्स कंसेप्ट प्रिंसिपल्स एटसेट्रा, यानी किस तरह से स्किल्स करने कंसेप्ट प्रिंसिपल्स एटसेट्रा के लिए ये होनी है। फिर है जी डी पे डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू ट्रांसफर द स्किल्स एक्वायर थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग इन स्पोर्ट्स टू द सोल्यूशन ऑफ पर्सनल एंड कम्युनिटी सोसाइटियल प्रॉब्लम, सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करने और उन्हें सॉल्व करने, ये भी सारा का सारा जो एक और करके उसे रिजॉल्व किया जाता है स्कूल के लेवल पे। आगे स्टूडेंट्स चाहते हैं की पॉइंट सेलेक्ट है इसके, नंबर नंबर इन पाकिस्तान मोस्ट टीचिंग इज बेस्ड ऑन इंक्वायरी टीचर सेंटर्ड लेक्चर प्रेजेंटेशन टू स्टूडेंट्स वेयर देयर रोल ऑफ द लर्नर्स इज द रिकॉर्डिंग ऑफ वट द टीचर से एंड इज एकोरेट मेमोराइजेशन, यानी कि पाकिस्तान के लेवल पर देखा जाता है किस तरह टीचर सेंट्रिक जो है ये लेक्चर प्रेजेंट किए जाते हैं, यानी टीचर यानी आज भी ढके उसी तरीके से पुराने तरीके ट्रेडिशनल तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, और लेक्चर को रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए उनको इतना ज़्यादा मेमोराइज करना जो आसान नहीं होता, ये भी देखा गया। फिर एज नंबर टू पे साइंटिफिक इंक्वायरी रेफर टू द डाइवर्स वे इन विच साइंटिस्ट स्टडी नेचुरल वर्ल्ड, यानी साइंटिस्टों ने जो है नेचुरल वर्ल्ड में जो है इंक्वायर किया और उन्हें डाइवर्स वेज निकाले जिससे बच्चों की लर्निंग जो आसान की जा सके, टीचर्स को उसकी स्ट्रेटजीज दी गई उनके अखस के बाद। फिर है जी नंबर थ्री पे के इंक्वायरी हैज़ थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स में टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस एंड रिफाइन देयर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स टू कवर कन्वे द स्टूडेंट्स द परपोज एंड साइंटिफिक रिसर्च परपोज और साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से जो एक क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो है डिवेलप की गई हैं। आगे स्टूडेंट्स चल रही है हैंड ऑन माइंड ऑन साइंस टीचिंग, ये क्या है जी हैंड ऑन क्या होता है कि हैंड हाथ से किस तरह से टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट का टेस्ट लेता है और उसको किस तरह से जो है वो अपनी तरफ माइल करते हैं कि उसकी टीचिंग में, और माइंड ऑन क्या होता है दिमागी तौर पर मैं कैसे अपना लेक्चर जो है वो इस तरह से पढ़ाए कि उनको जो है वो समझ आ जाए, और स्टूडेंट जो है उस टीचिंग की टेक्निक और स्टूडेंट भी इसको सीखे। फिर जी पेरेंट्स एंड कम्युनिटी में पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेम्बर्स ये रखे कि स्टूडेंट्स में क्या मसले हैं उनको किस तरह से डेफिशिएंसी उनकी ख़त्म की जाए, तो योर टीचर पेरेंट मीटिंग होती है जिसमें मसले मसाइल को रखा जाता है और स्टूडेंट को हेल्प आउट किया जाता है, फोकस किया जाता है उसकी कमियों को और उसको डिफिशेंसी को दूर किया जाता है दोनों एंड पे। फिर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी हेल्प करती है और जो बच्चों को बने लगते हैं कि उनके लिए नीचे आ रहे पॉलिसी मेकर्स जो है पॉलिसीज बनाते हैं जो उनके अंदर गलतियाँ होंगी उनको ओवरकम करने के नए जदीद तरीके के रूल डाले जाते हैं ताकि आगे आने वाले स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी कारामा अपनी सलाहियत उनकी अच्छी आ सके, उस पर टीचर्स पर काम किया जाता है। फिर है जी इम्प्लीमेंटेशन पिटफुली, यानी कि टीचर्स ट्रेनिंग के को ट्रेनिंग के लिए स्कूल भेजते हैं और ट्रेन करवाते हैं ताकि वो जब आए तो वो अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेहतर पढ़ा सकें। आगे चलते हैं स्टूडेंट, ये प्ले वे मेथड, ये क्या प्ले वे इज़ द नेचुरल नीड ऑफ द चाइल्ड, यानी नेचुरल नीड ऑफ चाइल्ड जो है यानी नेचर के हिसाब से जो बच्चे को चाहिए उसको वही देने हैं, तो ये क्या होता है नेचुरल नीड होती है और ये टीचर्स को सिखाने की ज़रूरत पड़ती है जो उनकी जब उनकी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। फिर जी प्रिंसिपल ऑफ प्ले वे मेथड, ये क्या नंबर वन पे लर्निंग प्रोसेस टू बी कंडक्टेड थ्रू प्ले वे एक्टिविटीज़ बिकॉज दे आर स्मूथिंग प्योरीफाइंग एंड इंटरेस्टिंग, यानी कि गेम्स खेलवाई जाती हैं
डिजिटल गेम्स होती हैं, ऑनलाइन गेम्स होते हैं जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स जो होते हैं वो, या फिजिकल गेम्स भी होती हैं जिसके ज़रिए उनको एक्टिव किया जाता है, स्टूडेंट की दिमागी और उनकी जिस्मानी सलाहियत को बढ़ाने के लिए जिसमें इंटरेस्ट रोल लेते हैं ये किया जाए, जैसे प्ले वे मैथड के कहते हैं। इससे जो है वो जब लेक्चर सुनते हैं तो उनको, या लेक्चर के पर कोई ने टास्क दिया जाता है, मैथमेटिक्स दी जाती है, तो वो उसमें ज़रा तेज जल्दी से जो है वो रीजनिंग के जरिए तेज करते हैं। ये एक फ़ायदा होता है गेम खेलने का। फिर नंबर टू पे, लर्निंग शुड बी टेक प्लेस इन एन एटमोसफियर ऑफ फ्रीडम विदाउट एनी रेस्ट्रेंट्स एक्ट ऑफ कंट्रोल, यानी कि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जो है फ्रीडम बच्चों को दिया जाए, मांगे तो जब वो आज़ाद होंगे तो अच्छे डिसीजन लेंगे, इस चीज़ का जो जोर देना चाहिए टीचर्स को। आगे चलते स्टूडेंट जी की पॉइंट्स देखते हैं। ये लर्निंग डज नॉट कम फ्रॉम लिसनिंग एंड सीइंग ओनली, बट ऑल्सो मोर अंडरस्टैंड फ्रॉम एक्शन, फ्रॉम डूइंग एंड फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी कि ये सिर्फ लर्निंग जो सुनने का नाम नहीं बल्कि ये बच्चे को पढ़ाने एक्टिव और उसको पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। फिर प्ले वे मैथड इज़ अ मैथड ऑफ ट्रेनिंग इंडिविजुअल, इट यानी कि अकेले आदमी का ये इंडिविजुअल ट्रेनिंग का एक हिस्सा चीज़ है। इट इज़ अ वंडरफुल टेक्निक ऑफ मेकिंग स्कूल एजुकेशन इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल। भाई जैसे आपको बताया कि अगर मैथमेटिक्स होगी तो अगर बच्चा खेल में अच्छा है, दिमागी गेम्स वीडियो गेम्स अच्छी खेलता है, तो मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स भी अच्छी जल्दी सॉल्व करके समझ आएंगे, तो ये प्ले मैथमेटिक्स का फ़ायदा होता है। फिर चाइल्ड विल फुली इंजॉय द लर्निंग प्रोसेस इफ दे आर द एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द लर्निंग प्रोसेस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन प्रोग्रेस एंड, यानी कि उनकी ओन प्रोग्रेस और डिवेलपमेंट हो, इसमें भी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फिर जी नंबर फोर पे, 5E मॉडल जो है कि इंगेजिंग एक्सप्लोरिंग एक्सप्लेनिंग एलेबरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग, इस पे काम किया जाता है, इंगेज किया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है, इकट्ठा करना, इंगेज करना, एक्सप्लेन करना, एलेबरेट करना और इवेल्युएट यानी आंसर को निकालना। फिर ऑफ टीचिंग साइंस हेल्प टू प्रमोट एक्टिव कोलेबरेटिव इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के हिसाब से जो है ये सब की। फिर है जी नंबर फाइव पे, स्टेप ऑफ 5E वो क्या है जी, मॉडल आर इंक्वायरी माइंडिंग वर्किंग विद क्वेश्चन कंडक्टिंग अ साइंस इन्वेस्टिगेटिंग एंड पुटिंग इट्स ऑल टुगेदर, यानी सबको इकट्ठा करना। आगे स्टूडेंट चल रही है जी डिमोस्ट्रेशन मेथड, ये कि इन साइंस इंस्ट्रक्शन डिमोस्ट्रेशन कैन बी यू वेरी इफेक्टिव टेक्निक स्ट्रेटजीज, इट प्रोवाइड्स एक्सीलेंट वे टू इंट्रोड्यूस साइंस यूनिट एंड लेसन, साइंस के यूनिट और लेसन जो इसमें डिमोस्ट्रेट किए जा रहे। फिर जी फंक्शंस ऑफ डेमोंस्ट्रेशन इज बिग, डेमोंस्ट्रेशन कैन बी यूज इन मेनी वेज इन साइंस इंस्ट्रक्शन ईच ऑफ विच मेक्स इट्स ओन स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन, हर एक की अपनी कंट्रीब्यूशन इसमें होती है। फिर है जी ए इनिशिएट थिंकिंग, इसमें करना इनिशिएटिंग यानी हेल्प आउट करना, थिंकिंग को बेहतर करवाना। फिर इलस्ट्रेट अ कंसेप्ट प्रिंसिपल और अ पॉइंट, इलस्ट्रेट करना प्रिंसिपल और पॉइंट। फिर आंसरिंग आ क्वेश्चन, जो आंसर पूछा जाए उसको क्वेश्चन का जवाब देना। फिर है जी रिवाइजिंग आइडियाज़, रिवाइज के आइडियाज़ जो पढ़े उसे बार बार रिपीट करें ताकि रिवाइज हो सके आइडियाज़, उसे जो भी दिन में आप जहाँ भी फिर उसको उससे रिलेट करना, उसे भी रिवाइज होते रहते आइडियाज़। ये भी बच्चों को स्टूडेंट को सिखाना चाहिए ताकि उनको उनका सबक ना भूले। फिर इंट्रोड्यूसिंग एंड कंक्लूडिंग यूनिट, इंट्रोड्यूस करना और कंक्लूड करना यूनिट को, ये भी होता है। आगे जी क्वेश्चनिंग टेक्निक, ये क्या है, टू असेस द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, यानी बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को असेस करना, उसको जाँच उसकी पड़ताल करनी और उनको ताकत देना कि जो उनका प्लेस है वो सही है गलत, उसमें हेल्प आउट करना। टू समराइज लेसन करना जो है, कंक्लूजन करना बच्चों का, ये भी सिखाया जाता है। टू असेस अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये दिखाया जाता है अचीवमेंट क्या है ऑब्जेक्टिव का। फिर है टू मोटिवेट मोटिवेट स्टूडेंट्स को किया जाता है। टू डिवेलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, डिवेलप किया जाता है स्टूडेंट का इंटरेस्ट। फिर है टू डिवेलप क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को जो है डिवेलप। फिर है टू इवेलुएट स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन को जो अहमियत फोकियत दी जाती है। फिर है टू हैव चेक ऑन होमवर्क, यानी होमवर्क जो बच्चा करके रोज़ उसका चेक करे, उसके लिए होमवर्क की एक अलग से एक डायरी होती है जो टीचर रोज़ चेक करते हैं कि आज मैंने होमवर्क दिया था और उस पर साइन करते हैं। अच्छे स्कूलों में ऐसा ही होता है, और उसके बाद जो है वो जो है प्रैक्टिस उसके जिससे जो है उनको उसके मार्क्स मिलते, जिससे उन्हें रिवॉर्ड का भी बच्चों में एक मोटिवेशन होती है। आगे चलते हैं जी की पॉइंट्स देखते हैं जी। नंबर वन, डेमोंस्ट्रेशन आर कंसर्न सेंटर एक्सपीरियंस डेट कैन बी कंसिडर एडवांस ऑर्गेनाइजर्स फॉर स्ट्रक्चरिंग सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज़ इन टू अ मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शनल फ्रेमवर्क फॉर स्टूडेंट्स, यानी बड़ा फ्रेमवर्क बड़ा अहमियत है ये जो स्टूडेंट्स के लिए। फिर इफेक्टिव डेमोंस्ट्रेशन कैन
फंक्शन स्टूडेंट्स अटेंशन मोटिवेट एंड इंटरेस्ट देम इन लेसन इलस्ट्रेशन इसकी कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल एंड इनिशिएट इंक्वायर एंड प्रॉब्लम सॉरी प्रॉब्लम सॉल्विंग उनकी किस तरह सॉल्व की जाती है ये देखा जाए फिर आस्क गुड क्वेश्चन इन एज एन आर अच्छे क्वेश्चन भी टीचर से पूछते भी एक आर्ट है और ये जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उन्हें आता है अगर वो घर से पढ़ के जाए इट इज़ एन आर्ट विच कैन बी मास्टर्ड विद प्रैक्टिस यानी मास्टर प्रैक्टिस करनी जितना बंदा टीचर से पूछेगा बार बार पूछेगा या स्टूडेंट टीचर से पूछेगा तो उससे ज़्यादा उस वो उसे क्वेश्चन आंसरिंग करने का वो एक माहिर बन जाएगा नंबर फोर पे टिप्स रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग डैट कैन इम्प्रूव क्वेश्चन क्वेश्चनिंग सेशन आर क्वेश्चन मस्ट बी क्लियर डोंट यूज टू मेक क्वेश्चन इन अ सिंगल टाइम आस्क लिमिटेड क्वेश्चन आस्क क्वेश्चन एट ऑल एबिलिटी लेवल इन द क्लासेस यानी क्लासेस में जो है ये टीचर जो है जो लेस क्वेश्चन है ये देख कैसे बना दी पहले लिसन केयरफुली टू द रिस्पोंडेंट ऑफ द स्टूडेंट प्रोवाइड प्रॉपर वेट डेम यानी पहले टीचर का पॉज का वेट करो फिर उससे जो है टाइम लेके उसके सवाल लें ताकि वो सही से सवाल का जवाब दे सके आगे स्टूडेंट्स आ रहे हैं लर्निंग इन द साइंस लेबोरेटरी ये द कंसेप्ट द प्रैक्टिस वर्क इज टू बी कैरिड आउट बाय इंडिविजुअल इन अ फिजिकल साइंस लेबोरेटरी फिजिकल साइंस लेबोरेटरी में इसका हम ट्रेन काम होता है फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेबोरेटरी वर्क ये क्या क्रिएट इंटरेस्ट इन साइंस क्रिएट इंटरेस्ट करें साइंस में फिर वेरीफाई फैक्ट्स थ्रू टॉट इन टीचिंग क्लास क्लास टीचिंग क्लास में वेरीफाई करें फिर डिवेलप द हैबिट ऑफ डूइंग इंडिपेंडेंट वर्क अमंग स्टूडेंट इंडिपेंडेंट वर्क करें स्टूडेंट में इस पर भी अहमियत दी जाए फिर प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर हायर स्टूडेंट्स एंड साइंस के लिए हायर स्टूडेंट्स और की स्टडीज़ पर साइंस कैरियर पर भी तवज्जो दें आगे स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं सम टेक्निक्स लर्निंग डिवाइस तो इसमें क्या वी डाइग्राम एक आती है उसकी आप डाइग्राम नीचे देख रहे हैं तो पहले बार सामने आ रहे हैं डाइग्राम वी शोज मेन एलिमेंट्स इसमें मेन एलिमेंट्स देख रहे हैं अगर हम इसको देखें राइट साइड से चलते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है मेथडोलॉजिकल आ रहा है नीचे इसकी क्या आ रहा है क्लेम आ रहा है जिसके साथ नॉलेज है और वैल्यू दी जाती है क्लेम जिसे कह रहे फिर नीचे के ट्रांसमिशन है फिर नीचे रिकॉर्ड है फिर बीच में ये ऑब्जेक्ट्स और इवेंट आ रहे हैं और उसके ऊपर आप देखें तो ईवी के भी बीच में दो एरोज लगे ये लिखे एक्टिव इंटरप्ले यानी दोनों चीज़ें साथ साथ प्ले अब हम चलते हैं लेफ्ट पे फिर ये कि इसको दिए नाम दे रहे कंसेप्चुअल दे रहे हैं इसके नीचे थ्योरीज हैं फिर प्रिंसिपल एंड कंसेप्चुअल स्कीम्स और फिर नीचे कंसेप्ट्स आ रहे हैं तो ये आपकी वी डायग्राम थे आगे क्या जी की पॉइंट ये क्या नंबर वन पे आ कंसेप्ट मैप इज अ सेमेनेटिक नेटवर्क शोइंग द रिलेशनशिप अमंग कंसेप्ट इन अ हायरार्कियल फैशन यानी हायरार्कियल फैशन में जो है ये कंसेप्ट मैप के बारे में हमें बताया गया आगे नंबर टू पे द कंसेप्ट मैप टेल्स अस दैट मीनिंगफुल लर्निंग डिपेंड्स ऑन इंटीग्रेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू अ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर लेट डाउन ड्यूरिंग द प्रीवियस लर्निंग यानी कि जो इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है ये कॉग्निटिव की स्ट्रक्चरिंग जो होती है ये किस तरह होती है कंसेप्ट मैपिंग के जरिए होती है जो लर्नर्स के अंदर जो इन्हांस की जाती है अगले नंबर थ्री पे कि द कंसेप्ट मैप सर्व द क्लेरिफाई लिंक्स बिटवीन न्यू एंड ओल्ड नॉलेज एंड फोर्स द लर्निंग टू एक्सटर्नलाइज दोज लिंक एक्सटर्नलाइज करने उन दोज लिंक को फिर जी कंसेप्ट मैपिंग रिक्वायर्स द लर्नर्स टू ऑपरेट एट ऑल सिक्स लेवल्स ऑफ ब्लूम्स एजुकेशनल ऑब्जेक्ट एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से भी ये किया जाता है फिर वी डायग्राम इज एन इंस्ट्रक्शनल डिवाइस टू लिंक कंसेप्ट एंड मेथड्स एंड हेल्प टू मेक द लिंक मीनिंगफुल यानी कि लिंक को मीनिंगफुल करने के लिए वी डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है फिर द मेजर purpose of V is to help students and understand the function of laboratory work in science. It is particularly the useful if concerned as pre-laboratory activity. यानी pre-laboratory को activities को बेहतर करने के लिए V diagram का इस्तेमाल किया जाता है scientifically. फिर है जी the V encourage students to think as scientists before they enter the laboratory rather than behave as a receipt. फॉलोअर यानी कि जैसे कि एक टीचर एक बच्चों को क्लास में तो वो एक फॉलोअर लगता है लेकिन वी डायग्राम जो है वो स्टूडेंट्स को ऐसा इनकेज करें वो अपने आप को जब लेबॉरेटरी में जाने था साइंटिस्ट अपने आप को समझे तो ये वी डायग्राम की अहमियत है फिर मान ला
यह हमारा चैप्टर नंबर 5 अख्ताम पर रहता है बी एड का कोर्स नंबर 8638 था। गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। मेरे चैनल मोहम्मद सफला खान को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि उससे मुस्तफ़ी हो सफ़ी। अल्लाह हाफिज़। मुझे रोम याद रखेगा।